हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रिमी शेखावत आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर किसी भी वजह से आपका एक सिंगल दांत मिसिंग है, टूट गया है या निकल गया है, उखड़ गया है या लूज़ हो गया है, तो अक्सर ये एक बहुत बड़ा मानसिक यंत्रणा होती है, मेंटल ट्रॉमा हो जाता है। आपको बड़ा अंडर कॉन्फिडेंस फील होता है, आप बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक डायलेमा होता है, कन्फ्यूजन होता है कि अब क्या होगा। तो ये एक बहुत ही कॉमन परेशानी है जिसको अक्सर लाइफ में कहीं ना कहीं अपने को फेस करनी पड़ती है। तो देखिए, जैसे जैसे समय के साथ में डेंटिस्ट्री एडवांस्ड होती जा रही है, वैसे ही टेक्निक्स भी एडवांस्ड होती जा रही है। अक्सर जैसे सामने का दांत है आपका, अगर मिस हो जाता है या टूट जाता है या किसी वजह से ख़राब हो जाता है, तो आपके डेंटिस्ट आपको अक्सर कहेंगे कि आप इम्प्लांट करवाइए। इम्प्लांट आप जैसे सुनते हैं, एक स्क्रू होता है, दर्द होगा, साइड इफ़ेक्ट होंगे, इतना महंगा है ट्रीटमेंट, इन ये सब मिथ हैं। ये देखिए, ये दांत में जो मिसिंग है वहाँ पर आपके एक इम्प्लांट लगाया गया है। इम्प्लांट जो है ये टाइटेनियम का एक स्क्रू ही होता है जो कि आपकी जड़ जो है, आपकी जो कुदरती जड़ है उसके जैसा ही ये इम्प्लांट लगाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपकी नेचुरल रूट है, यहाँ पर आपने इम्प्लांट के जैसे इस जड़ को डाला। ये जब इम्प्लांट टाइटेनियम मुंह में जब फिक्स किया जाता है, उसे कम से कम 3 महीने बाकी दांत के चारों तरफ की जो बोन है उसके साथ में एडेप्ट होने में, जुड़ने में समय लगता है, और बाद में उस पर इस तरह से कनेक्शन लगाया जाता है और उस पर इस तरह से दांत फिक्स कर दिया जाता है। इम्प्लांट बहुत सेफ है, बहुत ही टेक्निक फ्रेंडली है और बहुत ही पेशेंट के लिए कंफर्टेबल है। आपको पता ही नहीं रहेगा बाद में कि ये आपका आर्टिफिशियल दांत है या आपका नेचुरल दांत है। इम्प्लांट बिल्कुल दांत की जगह मिमिक करता है। कई बार देखिए, इम्प्लांट का एक अमूमन कॉस्ट पार्ट अगर अपन डिस्कस करें तो 20,000 से लेके रेंज चालू होती है। उसमें अक्सर जैसे जैसे इम्प्लांट की क्वालिटी, उसका रिसर्च, उसकी कंपनी, उसकी ब्रांडिंग बढ़ती जाती है और अक्सर इम्प्लांट्स इम्पोर्टेड होते हैं, उसकी कॉस्ट पार्ट भी बढ़ती जाती है। तो वो आपकी चॉइस है, पर मैं आपको हमेशा सलाह दूंगी कि अच्छा इम्प्लांट ही कराइए, क्योंकि ये सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट है और नॉर्मली लाइफ लॉन्ग ही आपके साथ में इम्प्लांट स्टे करते हैं। कैप्स ज़रूर आपकी बाद में बदलनी होती है, वो आपकी इच्छा है कि आप सेरामिक पे जाते हैं या ऑल सेरामिक पे जाते हैं। इम्प्लांट के अलावा आपके पास में दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि हम अक्सर, जैसे ये दांत आपका मिसिंग है तो हम अक्सर पास के दोनों दांतों का सपोर्ट लेके हम ब्रिज बनाते हैं, जैसे कि ये दो दांत। पर इसमें क्या तकलीफ है, क्या गलत है, हमें ओरिजिनल दांत को कम से कम 2 मिलीमीटर के लिए घिसना पड़ता है, और हम आपको यही सलाह देते हैं कि एक दांत आपका मिसिंग है उसके लिए हमने पास के दो दांतों को क्यों खराब किया। ब्रिज जो है अक्सर इस तरह से 3 का जोड़ा बन के आता है, ये इस तरह से आजू बाजू के दोनों दांतों के ऊपर रख के ये आपका ब्रिज बनता है। यानी आपको एक दांत रिप्लेस करना था, जैसे ये दांत आपका मिसिंग है, इस दांत को रिप्लेस करना था और इस दांत को लगाने के लिए हमने आसपास के इन दोनों दांतों को घिस के इस तरह से ये ब्रिज बनाया, जो कि फाइनली इस तरह से आपके सामने आता है। तो ये हम लोग बिल्कुल एडवाइज नहीं करेंगे अगर आप यंग हैं। अगर आपके आसपास के दांत बहुत अच्छे हैं तो हम आपको एडवाइज नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, बोन बिल्कुल भी नहीं है इम्प्लांट की जगह पे, बोन लॉस है, उस कंडीशन में हम जरूर ब्रिज के लिए आपको कह सकते हैं अगर हमारे को सपोर्टिंग टीथ अच्छे मिलते हैं। अदरवाइज ब्रिज इज लाइक अ ऑब्सोलीट ट्रीटमेंट। आज की तारीख में ब्रिज हम लोग कभी भी एडवाइज नहीं करते हैं। दूसरे आप देखेंगे, जैसे आपके 2 या 3 दांत आपके मिसिंग हैं, तो उस कंडीशन में हम इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज भी बनाते हैं।
यानी आपने दो इम्प्लांट करे उस पर 3 दांत लग जाते हैं, आपने दो इम्प्लांट करे उस पर 4 दांत लग जाते हैं। तो ये भी एक कॉमन तरीका है। तो आज आपको जो मैं बताने वाली हूँ कि इम्प्लांट जो है उसके लिए बिल्कुल बेहिचक करवाएं, डरिए नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपका डेंटिस्ट एक्सपीरियंस्ड है, अगर आपका डेंटिस्ट अनुभवी है, उस वेल वर्स्ड है, अच्छे पेशेंट्स हैं, अगर टेक्निकली साउंड है, तो इम्प्लांट सिंगल दांत के रेस्टोरेशन के लिए इम्प्लांट जो है वो ब्रिज से काफ़ी बेहतर है। और ब्रिज लगाना भी कहीं गलत नहीं है, क्योंकि पुराने या पिछले आप मान के चलिए 10 से 15 साल 20 साल पहले अक्सर ब्रिज ही लगाया जाता था, उसकी भी अच्छी लाइफ होती, पर वो समय के साथ में हमेशा दो दांत पास वालों को लेके ही जाता है। तो आप कभी भी अपना निर्णय लें इम्प्लांट के बारे में, एक सिंगल दांत को रिस्टोर करने के बारे में, तो ज़रा भी नहीं घबराइए, अपने अच्छे डेंटिस्ट के पास जाइए और बेशक उसको आप रिप्लेस करवाइएगा। इम्प्लांट्स जो है वो दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो होते हैं कन्वेंशनल इम्प्लांट्स, एक होते हैं कॉर्टिको बेजल इम्प्लांट्स। तो कन्वेंशनल इम्प्लांट्स में अक्सर 3 महीने का हम लोग गैप रह लेते हैं। सिंगल दांत रिप्लेसमेंट में कन्वेंशनल इम्प्लांट्स हमारा चॉइस होता है, पर कई बार पेशेंट हैं बाहर से आते हैं, वो वापस बार बार डेंटिस्ट के पास आ नहीं पाते हैं, अगर उन्हें सप्ताह भर के अंदर ही सब कुछ चाहिए तो कॉर्टिकल इम्प्लांट्स भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे पास में, और अगर उसे अच्छे से किया जाए, ढंग से किया जाए, तो वो भी कहीं नहीं जाते हैं। तो हमारी क्लिनिक के अंदर अक्सर बहुत बार एक्सीडेंट से टूटे हुए दांत, किसी और वजह से निकले हुए दांतों को बहुत ही अच्छे से हमने पेशेंट को रिस्टोर किया है, जो कि बहुत संतोषजनक रिजल्ट लेके जाते हैं, पेशेंट बहुत खुश होके जाते हैं और हमारे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स लाइव हैं। तो इम्प्लांट्स जो हैं वो अगेन आपको मैं बार बार कहना चाहूँगी, बेहिचक कराइए, बेशक कराइए और बहुत लंबे समय के लिए करवाइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरा क्लिनिक जयपुर में है मरुधर डेंटल सेंटर के नाम से, और किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर हमारे क्लिनिक के समय में संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।